मतलब संविधान संविधान सब खतरे पे है, ये लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र उस समय सही था जब इमरजेंसी लागू हुई थी। देखिए इमरजेंसी वो पुराना छोड़िए, आज पुराना क्यों छोड़े, जब आप कांग्रेस की बात करेंगे आप है ना, आप निष्पक्ष कब बात करें, आप निष्पक्ष कहाँ से बात, आप पक्ष निष्पक्ष तो बात कर रहे हैं, आप हमारे पक्ष में मत बोलो, कांग्रेस के पक्ष में मत बोलो, बीजेपी के पक्ष में, इमरजेंसी की बात नहीं किसी के, आप तो जनता के हित में बोलो, आप जनता की आवाज उठाओ, जनता जनता की जो समस्या उनको, जनता उनको पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर पार्टी है इनका अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है, अशोक गहलोत जी बढ़िया सत्ता चला रहे हैं, बढ़िया सत्ता चला रहे हैं कि बढ़िया सत्ता चला रहे हैं कि हत्या भेज रहे हैं, हत्या क्यों भेज रहे, हत्या आप एक बात, हत्या कर हुई सरकार गिरा रहे, हत्या एमपी में बनी हुई सरकार गिरा रहे, टुकड़े टुकड़े होंगे, सल्तन से जुदा होंगे तो वहाँ पे लाइन ऑर्डर क्या कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि जो गोदी मीडिया है अब वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, दिक्कत चलो अब मेरी बात सुन लीजिए, सच्चाई यही है। ईडी दफ्तर पर सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हुए हैं, मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए पूरे इलाके की, ये कांग्रेस का दफ्तर है उसके आगे और वहाँ से लेकर के ईडी दफ्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले, काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं को मतलब हिरासत वगैरह पे ले लिया गया, कुछ लोग हैं हमारे साथ उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज किस चीज़ को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल्ला आरिफ है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, शहर अध्यक्ष। हाँ, आज पहले राहुल जी को बुलाया गया था, आज सोनिया जी को बुलाया गया है, इस तरीके से सरकार इन्हें परेशान करने का काम कर रही है और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का काम कर रही है, देश के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है, एक झूठ को बार बार सच करने का साबित सच करने का प्रयास हो रहा है, ये हिटलर शाही सरकार, हिटलर ने भी ऐसा ही किया था कि एक झूठ को बार बार उसे साबित करना, उसे सच साबित करने का प्रयास जो किया था, ये हिटलर शाही सरकार का ही रवैया। कैसा कैसा झूठ को सच साबित करना चाह रहे? देखिए एक ईडी की एक जाँच हो चुकी थी जिसके अंदर क्लीन चिट मिल चुकी थी, बार बार उसी मुद्दे को उठाया जा रहा है, अब सोनिया जी और राहुल जी के विरुद्ध कोई ऐसा मुकदमा तो नहीं है कि जिसमें वो साबित होता हो या किसी जेल जाने के चांसेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, इसी मुकदमे इसी ईडी का प्रयास कर करके तो सरकार। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है ना कि आप एक लीडरशिप को परेशान कर रहे हैं, देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता क्यों परेशान कर रही है? जनता तो इसलिए परेशान हो रही है ना क्योंकि उनके नेता, जो विपक्ष के नेता, विपक्षी की भूमिका होती है देश के अंदर, आप विपक्ष के नेताओं को, मुख्य नेताओं को परेशान करने का काम, कौन सी विपक्ष की ऐसी भूमिका पे राहुल जी या का सोनिया गांधी जी आपको दिखाई पड़ी जो देश के मुद्दे को उठाते हैं? हर मुद्दे पर, कौन से मुद्दे पर कांग्रेस ने जनता का समर्थन नहीं किया? महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है, और आपका सेना में भर्ती के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी नहीं थी और सेना की भर्ती सब सही हो? हाँ बताइए आप मुझे, ये सवाल तो मेरा आप लोगों से है कि बताइए आप पिछले आंकड़े उठा करके देखिए और आज के 7 वर्ष के आंकड़े उठा करके देखिए सरकार के, कि क्या बेरोजगारी दर थी और क्या जीडीपी थी, सब कुछ सारे आंकड़े जनता के सामने है, जनता ये 7-8 साल में बेरोजगारी और जीडीपी बढ़ी है, उसके पहले सब आप क्या करते थे पहले? देखिए अर्थशास्त्रियों का होना सरकार में बहुत भूमिका रखता है और मैं मानता हूं कि भाजपा सरकार ने विकास कार्यों के नाम पर लोगों को ठगा है, ये जातिवाद सांप्रदायिकता इसी के ऊपर इनका एक ढांचा बना हुआ है जिसके ऊपर ये राजनीति करते हैं, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, आज तक का इतिहास है कांग्रेस ने कभी सांप्रदायिकता के ऊपर कोई समझौता ही नहीं किया, कोई जातिवाद के ऊपर समझौता नहीं किया, सब धर्म सारी जाति सारे बिरादरियों को लेकर के साथ चलती है, पूरे देश को साथ लेकर के चलती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सरकार तानाशाही है? हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार तानाशाही है। इमरजेंसी क्या थी? देखिए इमरजेंसी एक अलग चीज़ थी, अलग चीज़। देखिए स्ट्रांग डिसीजन इमरजेंसी होता है, स्ट्रांग डिसीजन ये नहीं होता कि आपने नोटबंदी लागू कर दी, स्ट्रांग डिसीजन ये नहीं होता आपने 370 बिना अभी तो सरकार की इच्छा शक्ति है कि इन नेताओं को बुला बुला के पूछताछ कर रही है। देखिए हम अब की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना कि हम बात तो करनी पड़ेगी ना। देखिए हमने 4 सालों से हमने पाकिस्तान को भी जवाब दिया था, क्या जवाब, चीन को भी जवाब दिया था, हमने उनसे भी जंग जीती थी, हमने चीन को भी जवाब दिया था, तो फिर सवाल क्यों उठाते हैं पुलवामा जैसे उस पे? देखिए जांच का विषय है, हम तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, लोगों के सामने आप सच तो साबित करें, आप लोग जनता के सामने आप सच आज साबित करने के लिए पूछताछ के लिए बार बार बुलाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए पुलवामा से अगर आप इसका मुकाबला कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे ना? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक
वो भी तो सामने नहीं आ पाया। सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने साबित कर दिया कि जी मोदी सर, आप कह रहे हैं कि उस समय बलती हो रही थी, तो क्या इस पे जो काम कर रहे होंगे सेना वाले, उनका मनोबल नहीं टूटेगा कि उनके ऊपर आप लोग सवाल? हाँ बिल्कुल, सेना की, सेना में जो भर्ती होने वाले लड़के हैं, पहले तो वो 3 वर्ष से कोविड की वजह से बेचारे घर में बेरोजगार थे, उनकी उम्र निकल गई। उसके बाद आपने सेना के ऊपर, सेना की भर्ती के ऊपर ये अटैक कर दिया नौजवानों के ऊपर, जो दिन रात मेहनत कर करके भर्ती का इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं को इतनी संख्या में निकलने की आज क्या जरूरत पड़ी? देखिए, हमारे नेता के ऊपर अगर आँच आएगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में, पूरे देश का कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठा होगा, जहाँ पर भी जो भी होगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हमारा एकजुट है आज। जब आप ऐसे घूमेंगे तो कहाँ से जॉब मिलेगी? जॉब के लिए मैं आर्मी में पहले मैं ट्राई कर रहा था, मैंने छोड़ दिया जब से इन्होंने अग्निपथ के लिए निकाला है। 4 साल के लिए हमें काम मिलेगा, उसके बाद हमें काम मिलेगा, हम काम मिलेगा। अब मैं इसलिए उसके बाद आप काबिल होंगे तो उसके बाद भी मेरी बात सुनिए, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ ताकि मैं अपने हक की, कांग्रेस पार्टी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़के आगे आने वाले जो युवा होंगे उनके साथ ये दुरुपयोग बिल्कुल नहीं। कैसी अपने हक की लड़ाई? जो क्या अभी नहीं मिला है आपको? अभी हक का देखिए, आप पहले जो भर्ती होता था आप 15-20 साल के लिए होता था, 15-20 साल के लिए होता था, अभी आप देखिए कितना कर दिया, 4 साल का मात्र। 4 साल के बाद अब कहाँ जाएंगे आप लोग, कहाँ कहाँ रोजगार के लिए जाएंगे, क्या खेत में जाएंगे, कहाँ किसके दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए, बताइए क्या करेंगे, उसके बाद युवा कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा सरकार ने, डिसीजन लिया है कुछ? 4 साल बाद अगर आप उसके कैपिटल होंगे तो उसके नौकरी मिलेगी ना? नहीं मिलेगी, ये एक सरकार का जुमला है और जो 2014 से जुमला अब तक देते आ रही है इसी कहीं नो, बताइए आप 4 साल तक जॉब करने के बाद कितने साल की एज हो जाएगी? 4 साल में युवा जो होता है 17.5 साल की एज में भर्ती हो जाता है। अब 4 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? अब जोड़ लीजिए आप, इसको छोड़िए आप, ये बताइए कितनी एज हो जाएगी 4 साल बाद? ये हो जाएगी 7 साल हो जाएगी, 7.5 साल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 17 में आपको जॉब मिली, 4 साल जॉब किया तो कितनी? उसके 21 साल हो जाएगी। उसके बाद 21 साल तक आप पैसा कमाएंगे, 21 साल तक आप जो लाखों रुपए कमाएंगे, क्या कौन सी ऐसी जॉब है जो दे सकती है पुरानी पिछली मिली हुई? अब आप हमें ये बताएं, आप उस 21 लाख को देखेंगे या परमानेंटली के रोजगार के लिए रोजगार देखेंगे? अब मान लीजिए आप ही भर्ती हो रहे हैं, आप 17 साल में कौन सा ऐसा रोजगार है जो सरकार पहले देती रही, अब खत्म हो गया? क्यों कांग्रेस पार्टी हर 6 महीने में भर्ती निकालती थी आर्मी की, कंपनियां बिक रही हैं, LIC बिक गया, रेलवे प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, धीरे धीरे ये लोग सभी को प्राइवेट सेक्टर में पहुंचा रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। बोलिए, ये जो नाम है कृष्ण कुमार खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ, जिला कांग्रेस कमेटी अलवर से। जो देश के अंदर ये 7 साल में ऐसा क्या हो गया जो इतनी महंगाई हो गई, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, और पहले जो ब्लैक में 1400 का बिकता था। आप एक बात बताइए, इसको GST में क्यों नहीं लेते पेट्रोल डीजल को? सब चीज़ को ये खाने पे, दही पे, अनाज पे, सब पे GST लगा रहे हैं। किसान वर्ग से देना क्या दिक्कत? किसान वर्ग पे से देने में क्या कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसान वर्ग पे हमेशा जो मिलीजुली सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी सब्सिडी देती थी और उन पर छूट देती थी। तो आपकी कांग्रेस इस पे आवाज क्यों नहीं उठाती, जो नेताओं की पेंशन है उस पे उठा रही है? इन्होंने जो देश में 7 साल में जो ये काम किया है झूठ बोल बोल करके कि 60 दिन में हम काला धन ले आएंगे और GST हम सही तरीके से लगाने, 276 एनवायरमेंट कर दिए, कभी 18%, कभी 28%, कभी 12%, कभी 6%, व्यापार चौपट हो गए उनसे, सारे व्यापारी जितने भी व्यापार में जो कौन से व्यापार चौपट हुए, 4 व्यापार के नाम बताइए जो चौपट हो गए इस सरकार, जिसमें एग्रीकल्चर में लोहे का आप जितने भी कंसल्टेंट सबको देख लीजिए, जो 27 रुपये किलो लोहा बिकता था 110 रुपये किलो लोहा बिक रहा है, आप क्या हो रहा है देश में आप खुद देखिए। आप जो 4 बताइए किराना है, किराने में ये कि इन्होंने बाजार बना दिए, बाजार खोल दिए उन्होंने, न उसमें पैक कर करके नहीं उनको माल को ऊंचे भाव में इनको मोदी केयर के नाम से जाने के किसी के नाम से उसको दे रहे हैं, उससे किराने की दुकानें चौपट हो गई सारी। तो आय नहीं बढ़ी उसके बाद? क्या आय बढ़ी है किसी लोगों की? आय बढ़ी है, मतलब संविधान सब खतरे पे है, ये लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र उस समय सही था जब इमरजेंसी लागू हुई थी। देखिए इमरजेंसी वो पुराना छोड़िए, आज आना क्यों छोड़े जब आप कांग्रेस की बात करेंगे, आप है ना, आप निष्पक्ष कब बात करें, आप निष्पक्ष कहाँ से बात, आप निष्पक्ष तो बात कर रहे हैं, आप हमारे पक्ष में मत बोलो, कांग्रेस के पक्ष में मत बोलो, BJP के पक्ष में इमरजेंसी की बात नहीं, किसी की बात, आप तो जनता के हित में बोलो, आप जनता की आवाज उठाओ, हम जनता की जो समस्या है उनको, जनता उनको पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर जनता पार्टी है
हम कांग्रेस के नेताओं से कहते हैं, अगर जनता को कोई जरूरत है तो उसको विकास करे। कांग्रेस ने हमेशा रोजगार दिया है, कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को समय पर टाइम पर से उनको देखिए, आप ये मनमोहन सिंह जी को 10 साल सोनिया गांधी जी ने त्याग की मूर्ति हमारी हैं, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने बनके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, और मनमोहन सिंह जी ने मिली जुली सरकार होकर के भी 10 साल उन्होंने सत्ता दी। सोनिया गांधी के खास थे अहमद साहब, जो तीस्ता शीतलवार को 30 लाख रुपए दे करके मोदी जी को SIT जांच में फंसाने का गोदरा। आप मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? जवाब तो राजस्थान के, हम तो सवाल कर, राजस्थान का अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है, अशोक गहलोत जी बढ़िया सत्ता चला रहे हैं, बढ़िया सत्ता चला रहे हैं कि हत्याएं करवा सरकार गिरा रहे हैं। MP में बनी हुई सरकार गिरा रहे हैं। कौन गिरा रहे हैं? महाराष्ट्र में आपको चुना गया था, किसने चुनी हुई? इससे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, वहाँ शिवसेना इनसे टूटी, शिवसेना 20 साल से इनसे जुड़ी हुई थी, क्यों नहीं दिया उनको, इनको हक क्यों, आप क्यों नहीं संभाल पाए, आप क्यों नहीं सारे, आप क्यों बिल बुला रहे, आप क्यों, आपने कैसे कांग्रेस, आपने क्यों शिवसेना से गठबंधन कर लिया, जब वो कट्टर थी, वो आपकी विचारधारा ही नहीं है, क्यों गठबंधन, इसने गठबंधन नहीं, पहले कांग्रेस को आमंत्रण दिया, क्यों आमंत्रण स्वीकार कर, तो ये कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या बात है, ये तो आप तो विचार, मतलब ये मतलब बीजेपी में कोई नेता अगर आ जाता है तो वो दूध से धुल जाता है, हैं, वो दूध में धुल जाता है, और कांग्रेस के अंदर कोई नेता, आप भी उसी तरीके के हुए ना, तो आप अलग कहाँ से हो गए, क्यों हम अलग क्यों नहीं है, हम लोग हमारे देखिए हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, एक बार उनको मौका मिला था संसद में आने का, और मंत्री बने थे, अलवर का विकास कर दिया, 8-8 पुल बनवा दिए उन्होंने, और पूरा अलवर और राजस्थान का तो ऐसा विकास, जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे सांसद है अलवर का, हमारा MLA, आज तक उन्होंने अपना कोटा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया उनसे पूछो, पत्रकार क्यों नहीं पूछते उनसे कि भाई आप कोटा क्यों नहीं लगाते हैं, तो ऐसा विकास हुआ है कि वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, किसने कह दिया, ये सब बेकार की बातें हैं, ये बनाए हुए मुद्दे हैं, बनाए हुए मुद्दे कैसे, अच्छा किसी का कत्ल हो रहा है तो बनाए हुए मुद्दे, ऐसा है मैं बताऊँ, जो कत्ल हो रहे हैं ना वो कत्ल की सच्चाई भी है कि करने वाला भी बीजेपी का कार्यकर्ता, और वो हो रहा है जिसके साथ बीजेपी कार्यकर्ता, ये आप अजमेर दरगाह पर चिश्ती जो है वहाँ के कहते हैं कि मतलब कि टुकड़े टुकड़े होंगे, सल्तनत से जुदा होंगे, तो वहाँ पे लाइन ऑर्डर क्या कर रहा है, सच्चाई तो ये है कि जो गोदी मीडिया है अब वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, दिक्कत है, चलो अब मेरी बात सुन लीजिए, सच्चाई का दिया ही कि आप सच्चाई को नहीं दिखा रहे, आप केवल मोदी जी को दिखा रहे, सच्चाई आपकी दिखा तो ना है तभी तो गोदी, आप युवाओं सच्चाई दिखा रहे तभी तो गोदी जी बनो, आप युवाओं के तेजी बनो, सच्चाई बता रहे तभी तो, सच्चाई दिखा रहे तभी तो, पत्रकार चौथा स्तंभ है देश का, पत्रकार चौथा स्तंभ है देश का, और पत्रकारिता की वजह से ही देश का विकास होता है, नेता पत्रकार नहीं हो तो नेता विकास ही नहीं करें, तो आप हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, और पत्रकारिता का काम है, पत्रकारिता जो समस्या है शहरों की या कस्बों की या ग्रामीणों की उनको उठाएं। अच्छा आपने गोदी मीडिया का टैप तो लगा दिया, गोदी मीडिया होता क्या है भाई, अब जो गोदी मोदी देखे TV में खोल के नहीं, और कोई को भी दिखाओ, चुनाव हो रहे 5 स्टेट के और दिखा रहे खाली UP है, आप लोगों का धरना दिखा तो रहे हैं, आपका वो क्या है, पांचों को क्यों नहीं दिखाते, आपका धरना, आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि आप हमें दिखा रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि जैसे मतलब आप लोग कार्यकर्ता इतने सारे लोग निकले आज, ठीक है, जब गोधरा कांड हुआ था उसके बाद मोदी जी तो अकेले जा रहे थे, मतलब उनके ऊपर भी इतना प्रताड़ा हुई थी, तो उन्होंने इतना कोई सवाल चाहता हूँ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, पूरे विदेश में पहले तो रुके ही नहीं थे, मुख्यमंत्री थे तब की बात, सुनो अभी देश के प्रधानमंत्री, पहले की बात करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, गोधरा कांड हुआ था, SIT जांच वगैरह में उस समय भी फंसाया गया था, उस समय भी का जब 30 लाख रुपए अहमद पटेल जो उनके खास है सोनिया गांधी के, उनके ऊपर आरोप, नहीं तीस्ता शीतलवाल जो इस देश में गुनाह करता है उसको सजा दी जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, और ये भी है अगर उत्तराखंड में तो क्लीन चीट मिल गई, मैं बता दूं आपको, कोई गुनाह नहीं, ये सजा नहीं देंगे तो परमात्मा देंगे, ये गुजरात के ही मिलते हैं सारे जो ले लेकिन उड़ा देते हैं इनको, हवाई जहाज जो आपने मतलब आधी रेट में तय कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने, आपने दुगने रेट में उसको दूसरे को दे दिया, क्या हो रहा है देश के, राहुल जी तो राफेल पे भी सवाल उठाते हैं, बाद में फिर माफी मांगते हैं, राहुल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, और सत्य हमेशा विजय होती है, आपने महाभारत के अंदर देखा होगा, तो कितनी बार आ रहे हैं कि पांडव जीते थे महाभारत के अंदर, पूरी महाभारत लंबा चला था, 5 पांडव जीते थे और जिताए थे,
है ना, विजय उसकी मानी जाती है जिसको जनता चुने, विजय उसकी मानी जाती है लोकतंत्र में जिसको जनता। अगले देश के प्रधानमंत्री मिली जुली सरकार आए या कैसी भी आए, आदरणीय राहुल गांधी जी सबसे नंबर वन नाम लिया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मेरे लिए आवाज है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और वो हमेशा से युवा के लिए लड़ते हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं। अभी कांग्रेस कांग्रेस के अंदर ही फूट है, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, सचिन पायलट को उधर सामने नहीं किया जाता है, जाती है बीजेपी के नेताओं द्वारा खरीद करके उनको तोड़ने जल्दी क्यों टूट जाते हैं, क्यों टूट तोड़ने का काम किया जाता है, ये उनकी मूर्खता है। हमारे जो कांग्रेस के पार्टी के नेता है, कांग्रेस कार्यकर्ता मूर्ख नहीं, मैं कह रहा पार्टी के जो नहीं आप ही बोले ना, पार्टी जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाते हैं वो हम बिल्कुल सही, हम सोनिया गांधी जी को भी संदेश देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को भी संदेश देना चाहते हैं कि जो पार्टी में ऐन वक्त पे धोखा देते हैं उनको पार्टी के अंदर तवज्जो नहीं दी जाए, और यहाँ देश में कोई कमी नहीं है। अरे इतने कांग्रेस इतने भरोसेमंद नेता, सिंधिया जैसे नेता आपको छोड़ के चले गए, क्यों चले गए? तो सिंधिया का क्षेत्र में क्या हो गया, चले गए तो सारे कांग्रेस कांग्रेस आ गई वहाँ पर उसके क्षेत्र में, और विधानसभा में भी हो जाएगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी समुद्र है, ये कभी सूख नहीं सकता, नदियां बहती हैं, बारिश होती है, सूख जाती हैं। कौनता समुद्र जिसको बनाएगी समुद्र वो होगा, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है अपने इंडिया। आप सत्य कह रहे हैं, जनता ही कांग्रेस को लाई थी, जनता ही कांग्रेस ले गई, ले आएगी, लेके नहीं ले गई, लेके आई।